नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन प्रेस जीके जीएस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की सेशन में चर्चा करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रेट का जो एग्जाम आपका समाप्त हुआ है 20 अक्टूबर को, तो उसके कट ऑफ को लेकर बहुत सारे लड़का लोग कमेंट कर रहे थे सर इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो क्या जाएगा और किन किन कारक से आपका जो कट ऑफ है वो प्रभावित होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। तो पहली बार दोस्तों देखें, दिल्ली पुलिस का आपका टोटल वैकेंसी कितना आया था। तो दोस्तों वैकेंसी की बात करेंगे तो दोस्तों आपका 835 वैकेंसी टोटल आपका आया था, जिसमें दोस्तों मेल का जो वैकेंसी था उसमें वो आपका वैकेंसी 559 वैकेंसी आपका मेल के लिए आया था। इसके बाद फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल का वैकेंसी आपका 276 वैकेंसी फीमेल का था। तो टोटल ओवरऑल आपका 835 वैकेंसी था। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों आपका टोटल फॉर्म कितना फिल हुआ है। तो टोटल फॉर्म दोस्तों इसका देखा जाए तकरीबन 23 से 24 लाख लोग इसका फॉर्म भरे हैं, लड़का हो या लड़की दोनों मिलकर दोस्तों आपका 23 से 24 लाख फॉर्म फिल हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अटेंडेंस की बात करेंगे तो शुरुआत में जो अटेंडेंस है दोस्तों आपका न्यूज पेपर में भी छपा था कि दोस्तों 40 से 42% अटेंडेंस दोस्तों आपका रहा था शुरुआत में, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा एग्जाम 10 दिन का आपका एग्जाम चला है, उसमें 3 दिन आपका एग्जाम नहीं था, तो मान लीजिए 7 दिन आपका एग्जाम चला है। तो ओवरऑल एक डेटा निकाला जाए अटेंडेंस का तो दोस्तों लगभग 40 से 50% आपका अटेंडेंस रहा है। इसके अलावा इसको अगर अंक में निकालेंगे तो दोस्तों आपका तकरीबन 12 लाख स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं। कितना 24 लाख आपका फॉर्म भरा था उसमें तकरीबन दोस्तों आधा लोग एग्जाम दिए, मतलब कि 12 लाख एग्जाम दिए हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एग्जाम लेवल की बात करेंगे तो एग्जाम लेवल शुरुआत में देखेंगे तो शुरुआत में दोस्तों आपका इजी टू मॉडरेट एग्जाम लेवल था, ठीक है। कंप्यूटर का जो 10 प्रश्न आ रहे थे वो बात दो ही टॉपिक से आ रहे थे, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल 2010 से आ रहे थे। इसके बाद पेपर जैसे जैसे पढ़ा तो दोस्तों जैसे आपका 15-16 को एग्जाम नहीं था, लेकिन दोस्तों जैसे ही 17-18 को आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ है तो उसके लगभग समाप्ति से 2 दिन पहले दोस्तों आपका जो एग्जाम का लेवल था वो थोड़ा सा हाई हो गया था। तो मान के चलते हैं कि आपका वो 2 दिन का एग्जाम आपका मॉडरेट था, क्योंकि जीके जीएस का जो प्रश्न था वो थोड़ा सा हार्ड पूछा जाने लगा था। तो ओवरऑल आपका एग्जाम का जो लेवल था आपका इजी टू मॉडरेट था। अब बात करेंगे दोस्तों नेगेटिव मार्किंग के ऊपर कि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग था कि नहीं था। तो इसमें दोस्तों आपका नेगेटिव मार्किंग था 0.5 का दोस्तों आपका नेगेटिव मार्किंग था। मान लीजिए कि दोस्तों आपका एक क्वेश्चन आपका सही होता है और इसमें तो दोस्तों आपका दो जो क्वेश्चन है आपका गलत हो जाता है, तो एक क्वेश्चन आपका सही हुआ तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो दोस्तों 0.5 नंबर आपका कट जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका 0.5 नंबर खत्म हो जाएगा। मतलब कि अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं और दो क्वेश्चन आप गलत कर लेते हैं तो आपका दोस्तों टोटल जो मार्क्स होगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका 0.5 का नेगेटिव आपका इस एग्जाम में दोस्तों देखा गया था। इसके अलावा दोस्तों गुड अटेम्प्ट की बात करेंगे तो गुड अटेम्प्ट दोस्तों जो एग्जाम का ओवरऑल रहा है 100-200 लोगों से आपका कॉन्टेक्ट किए हैं व्हाट्सएप और चैट के माध्यम से या कॉल के माध्यम से, तो तकरीबन सबका जो अटेम्प्ट है वो आपका 70 से 75 तक ही सभी लोग बता रहे थे। तो 70 से 75 दोस्तों एक गुड अटेम्प्ट मांग के आपका चलते हैं, ठीक है। इसी के बेसिस पर दोस्तों कट ऑफ को देखें तो कट ऑफ इसके बाद दोस्तों आप कट ऑफ देखें रो स्कोर आपका रो स्कोर के तहत आपका कट ऑफ को देखते हैं। तो दोस्तों अगर मान के रो स्कोर आपका मान लेते हैं उसी के ऊपर अगर कट ऑफ को डिस्कस करते हैं तो दोस्तों आपका जो पहला गर्ल्स को देख लेते हैं गर्ल्स का कट ऑफ कितना रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों आपका बॉयज का कट ऑफ को देखेंगे तो दोस्तों गर्ल्स का जो कट ऑफ है वो दोस्तों आपका ई वार का दोस्तों आपका रहने वाला है 55 से लेकर 57 नंबर तक। अगर 55 से 57 नंबर दोस्तों ये आपका सीबीटी का दोस्तों आपका कट ऑफ है, ना कि दोस्तों आपका फाइनल लिस्ट का कट ऑफ है। फाइनल लिस्ट का कट ऑफ अभी बताना बेईमानी ही होगा, क्योंकि दोस्तों अभी आपका सीबीटी एग्जाम खत्म हुआ, इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, इसके बाद दोस्तों आपका पीटी हुआ, इसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो आपका सीबीटी का कट ऑफ बता रहे हैं दोस्तों आपका 55 से 57 रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों आपका गर्ल्स का ओबीसी का जो कट ऑफ रहने वाला है वो दोस्तों आपका 52 से 54 तक रहने वाला है। इसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस का जो गर्ल्स का कट ऑफ है वो दोस्तों आपका 50 से 52 तक रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों एससी का जो कट ऑफ है वो दोस्तों आपका 48 से 50 नंबर तक जाने वाला है। इसके बाद दोस्तों आपका एसटी का जो कट ऑफ है वो आपका 45 से 47 नंबर तक दोस्तों जाने वाला है। अगर जिन भी कैटेगरी में अपना अपना इतना नंबर आ रहा होगा गर्ल्स का तो दोस्तों वो आपका पीटी की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका बॉयज कट ऑफ की चर्चा करेंगे
जिनका भी आपका 60 से 62 आ रहा है वो दोस्तों आपका पीटी का दोस्तों आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ओबीसी कट ऑफ का बात करेंगे तो ओबीसी का जो कट ऑफ जाने वाला है दोस्तों आपका 57 से 260 नंबर तक ओबीसी का जाएगा। इसके बाद दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ दोस्तों आपका 55 से 258 नंबर तक आपका ईडब्ल्यूएस का जाने वाला है। इसके बाद दोस्तों आपका एससी की कट ऑफ की बात करेंगे तो एससी का कट ऑफ दोस्तों आपका 52 से लेकर 55 नंबर तक अगर आ रहा है आपका तो आप पीटी की तैयारी में लग सकते हैं। इसके बाद एसटी का जो कट ऑफ है दोस्तों आपका 49 से लेकर 251 नंबर तक आपका एसटी का कट ऑफ जाने वाला है। ये दोस्तों आपका ओवरऑल रो स्कोर के बेसिस पर आपका कट ऑफ बनाया गया है। तकरीबन इतना जो आपका नंबर आ रहा है तो आप पीटी की तैयारी में आप लग सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फाइनल कट ऑफ की ओर थोड़ा सा चर्चा कर दें तो फाइनल कट ऑफ दोस्तों आपका क्या रहने वाला है बॉयज का बता देते हैं। तो बॉयज का दोस्तों मान लीजिए कि आपका जो सीबीटेक है 7 से 62 नंबर आया तो पीटी की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आपका पीटी होगा एमटी होगा इसके बाद दोस्तों आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा। तो जिन लोगों का दोस्तों अभी 70+ नंबर आ रहा है उनका दोस्तों फाइनल मेरिट में सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद दोस्तों आपका ओबीसी का बात करेंगे तो ओबीसी का दोस्तों आपका 67+ अगर नंबर है तो दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट में बन सकते हैं। अगर वो आपका जो टाइपिंग टेस्ट होता है पीटी होता है क्वालिफाई कर लेंगे तब का बात बता रहे हैं। अगर ईडब्ल्यूएस का है दोस्तों 65+ नंबर आपका आ रहा है तो ठीक है। इसके बाद आपका एससी का कट ऑफ दोस्तों आपका फाइनल का 62+ और एसटी का दोस्तों आपका 57+ अगर नंबर आ रहा है अगर आप सभी जो आपका पीटी या मेडिकल या टाइपिंग होता है पास कर लेते हैं तो आपका इतना जो कट ऑफ आता है तो आपका मेरिट बन सकता है। जो टाइपिंग वो आपका 25 नंबर का होता है तो तकरीबन सभी लोग टाइपिंग में अगर तैयारी अच्छा से रहे तो क्वालिफाई कर ही जाते हैं। तो ये दोस्तों ओवरऑल आपका कट ऑफ रहा है क्योंकि दोस्तों आपका संभावित है आपका एग्जैक्ट कट ऑफ तो बताना किसी के बस की बात नहीं है वो तो दोस्तों आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद ही बताया जा सकता है। तो ये रहा दोस्तों आज का कट ऑफ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन मेरे को साथ साथ ऑन कीजिएगा। तो मिलते हैं इस प्रकार के एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।